बापू ने जो एकीकरण के लिए कार्यरत हुए थे, काम किया था, मानसिकता बदलने की कोशिश की गई थी और एक भाईचारा बढ़ाने के लिए जो भी उस वक्त ज़रूरी था वो सब उन्होंने खुद ने करके दिखाया था और प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। इसमें महज एक इवेंट हो रहा हो इसलिए ऐसा लगता है, क्योंकि जब डॉक्टरों के लिए, तबीबों के लिए ताली बजाने को कहा और अपना आभार प्रदर्शन करने के लिए कहा, उसके दो तीन दिन बाद ही डॉक्टरों के ऊपर पथराव हुआ, तो उस प्रयत्न का कोई इफेक्ट मानसिकता पे हुआ हो ऐसे लग नहीं रहा था। एक तरफ हम आर्टिफिशियली उत्साह बना के रखते हैं और दूसरी तरफ निराशा का वातावरण है, तो वो एक दूसरे को नेगेट कर देती है और उससे फिर जो लक्ष्य होता है वो कभी हम प्राप्त नहीं कर सकते। आज नहीं तो कल लोगों के ऊपर चिंता का जो वातावरण है वो हावी हो जाएगा और लोग निराश हो जाएंगे और उस निराशा में से फिर कुछ विपरीत हो सकता है और वो उसका खतरा बहुत मंडरा रहा है। जो मेन मकसद था सोशल डिस्टेंसिंग का वो रहा नहीं, लोगों ने इसका गलत मतलब निकाल कर इसको एक उत्सव में उसका परिवर्तन कर दिया और ये एक प्रधानमंत्री के नाते उन्होंने समझना चाहिए कि क्या लोग वो जो कहना चाहते हैं उसे समझ पाएंगे और उस तरीके से उसे कर पाएंगे। दोनों वक्त, तालियां बजाने के वक्त भी लोगों ने जुलूस निकाले और इकट्ठा हुए और ये दिया जलाने के वक्त भी उसी तरीके से एक उत्सव बना दिया गया और इससे जो एक इमरजेंसी सिचुएशन है उसको एक उसकी जो महत्वता है वो कहीं ना कहीं जाके ख़त्म हो जाती है। एकीकरण बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम एकता से ही इससे लड़ सकते हैं, पर उसके साथ साथ इसी माहौल में एक बहुत ही प्रखर प्रयास द्वेष का किया जा रहा है, अलगाववाद का किया जाता है, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके झूठे समाचार और झूठी अफवाहों को प्रबलता देकर वैमनस्य करने की कोशिश भी उतने ही प्रबल तरीके से की जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने अपने एक भी भाष्य में, जनता को के संबोधन में, इसके खिलाफ एक भी बात की नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो एक रेगुलर डायलॉग की बहुत आवश्यकता है और सिर्फ महज ऐसे रिचुअल्स के डायलॉग की नहीं, पर कुछ उसमें जानकारी हो। इस जो कोरोना की महामारी है उसका क्या असर हमारी प्रजा के ऊपर हो रहा है उसके बारे में विस्तृत जानकारी देते रहना बहुत आवश्यक है। सिर्फ दिया जलाओ, ताली बजाओ या ऐसे टास्क देने से ये जानकारी नहीं प्राप्त हो रही है और उसी के कारण सोशल मीडिया पे और बाकी मास मीडिया पे हमें अफवाहों का बाजार गर्म दिख रहा है। हर रोज कोई ना कोई नई चीज़ें सुनने को मिलती है। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉलिटिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज़।